अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आर्यन पब्लिक स्कूल गिद्दड़बाहा में स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती मोनिका खन्ना व धर्म बोर्ड गिद्दड़बाहा के प्रधान स्वर्ण सिंह गर्ग के दिशा निर्देशों पर स्कूलों के दो दिवसीय जोन स्तरीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किए गए, जिसमें इलाके के सात स्कूलों के करीब 80 खिलाड़ियों ने उत्साह से भाग लिया। स्कूल के डीपी अध्यापक गुरचरण सिंह व मेड मारती ने बताया कि इस दो दिवसीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट में इलाके के JNJDAV पब्लिक स्कूल, बाबा गंगा राम पब्लिक स्कूल, SPL स्कूल, बर्धमन स्कूल, DAV वेस्ट स्कूल व आर्यन पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों के बीच बास्केटबॉल के मुकाबले करवाए जा रहे हैं, जिसमें से विजेता टीम को जिला स्तर के टूर्नामेंट में खेलने हेतु भेजा जाएगा। इस टूर्नामेंट के पहले दिन धर्म बोर्ड गिद्दड़बाहा के प्रधान स्वर्ण सिंह खास तौर पर खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद देने हेतु पहुँचे हुए थे। जो जॉन लेवल के जो चल रहे हैं स्कूल पदर के गेम्स चल रहे हैं, वो आज बैडमिंटन की टूर्नामेंट चल रहे हैं स्कूल में, जिनमें से 6 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे बाबा गंगाराम कृषि विद्या मंदिर, तो SPL, JNJDAV वैश और आर्यन स्कूल। इन्हें डेट में कम से कम 70-80 बच्चे आए हुए हैं सरकारी गेम के लिए खेलने के लिए। ये कितना दिन तक चलेगा जी? ये 2 दिन चलेगा सर, आज का 2230 को, आज बॉयज़ का है, कल लड़कियों का, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19। टूर्नामेंट कैसे हो रहे हैं जी? बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रही है डिस्ट्रिक्ट जोनल लेवल। ये जो लैवल है जोनल लेवल के, जो बच्चे तो जीत के जाएंगे होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे, तो ये जो है अपने अंडर 14, 17 तो 18 चल रहे कॉम्पिटिशन चल रहे हैं। 2 दिन का टूर्नामेंट है, तो आज जिम्मे बॉयज़ खेल रहे हैं, कल गर्ल्स खेल रहे हैं, तो जो बच्चे जीतेंगे होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे। स्कूल नेम हारिन। गिद्दड़बाहा से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।